हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दी अर्थ यानी अर्थ के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो अर्थ की हिस्ट्री है उसे तीन पार्ट्स में या तीन इराज में डिवाइड किया गया है, पैलेजोइक इरा, मेसोजोइक इरा एंड सेनोजोइक इरा। सो ये हमने कंप्लीट किया। आज हम अर्थ के बारे में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट आता है ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। जो हमारा अर्थ है इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा, अर्थ का 71% पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। जब हम आसमान से या सैटेलाइट के थ्रू देखते हैं तो हमें अर्थ जो है वो ब्लू ही दिखाई देता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट नाउ, दैट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। सो इन 8 प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा डेंसिटी माने घनत्व किसका है? हमारी अर्थ का है, राइट। अब थर्ड हम बात करेंगे इसके सर्कमफ्रेंस के बारे में। तो हमारी अर्थ कैसी है? गोल है, ठीक है, हम ऐसे ही बोलते हैं गोल है। अब सर्कमफ्रेंस किसी गोल चीज़ का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2πr, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस इसका है 40,232 किलोमीटर। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पूरा जो यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, कितना है अर्थ का, अप्रॉक्सीमेटली कितना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट यू नेवर नो, है ना। एरिया की बात करें तो 510 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर एरिया है। आपको अपने स्टेट का एरिया तो पता ही होगा कितना है ना, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा रिलेट करके भी कर सकते हैं याद। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब देखिए, ये सन है हमारा, ये अर्थ है हमारी। अर्थ क्या करती है? सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑन एन एवरेज कितना दूर रहती है अर्थ सन से, ऑन एन एवरेज, क्योंकि देखिए इलिप्टिकल पाथ है। कभी अर्थ यहाँ होगी तो सन के बिल्कुल पास होगी, यहाँ होगी तो सन से बिल्कुल दूर होगी, बट ऑन एन एवरेज कितने डिस्टेंस पे रहती है हमारी अर्थ सन से? तो वो रहती है 149 मिलियन किलोमीटर। और अगर आपको याद हो, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो, वहाँ पे मैंने समझाया है आपको मिलियन बिलियन और लाख का रिलेशनशिप। एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। बिलियन जो है वो मिलियन से बड़ा होता है। एक बिलियन में 1,000 मिलियन होते हैं। लाखों में बात करें, एक मिलियन में 10 लाख होते हैं और एक बिलियन में 10,000 लाख होते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो मेरे जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ वाला पार्ट है उसके एंड में मैंने बिल्कुल समझाया है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पेरिहिलियन एंड एफिलियन, ठीक है। अपोगी पेरिगी हमने पढ़ा था सन और अर्थ के रिस्पेक्ट में, पेरिहिलियन एंड एफिलियन होता है अर्थ और सन के रिस्पेक्ट में। किस तरह से, वो अभी हम जानेंगे। सो पेरिहिलियन क्या होता है? नियरेस्ट पोजिशन ऑफ द अर्थ टू द सन। अब अर्थ क्या करेगी, इस तरह से घूमती रहेगी सन के चारों, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब अर्थ जो है वो सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, उससे नज़दीक वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम पेरिहिलियन, नियरेस्ट पोजिशन ऑफ द अर्थ टू द सन। और ये एक पर्टिकुलर डेट को होती है। कब आती है वो डेट? 3rd January एवरी ईयर, हर साल 3 January को, ठीक है। नाउ जिस टाइम, जिस दिन 3 January होता है, मतलब पेरिहिलियन होता है, अर्थ सन के सबसे नज़दीक होती है, उस दिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? तो वो होता है 147 मिलियन किलोमीटर्स। एवरेज डिस्टेंस कितना पड़ा? 149 मिलियन किलोमीटर्स, राइट। तो 2 मिलियन जो है वो कम हो जाता है उस टाइम पे। नाउ एफिलियन क्या होता है? अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, इसमें सबसे नियरेस्ट पोजिशन आती है तो इसमें सबसे फारदेस्ट पोजिशन आती है। एक टाइम ऐसा आता है जब अर्थ सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है, उससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती, क्योंकि इसका तो एक फिक्स पाथ है ना, तो उससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। उस पॉइंट को, उस टाइम को हम कहते हैं एफिलियन, राइट। और वो होता है 4 July को हर साल। डिस्टेंस की बात करें तो उस टाइम मैक्सिमम डिस्टेंस जो अर्थ और सन के बीच में होता है वो होता है 152 मिलियन किलोमीटर्स। एवरेज कितना होता है? 149, मतलब उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने जाना अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है इसकी। एफिलियन और पेरिहिलियन क्या होता है? बट क्वेश्चन ये आता है कि एफिलियन या पेरिहिलियन कौन से डेट को होता है? तो याद रखना है 3 January 4 July, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और अर्थ के बारे में कुछ और जानते हैं। नाउ द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप कैसी है, अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन देखने हैं आपने, ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है। अर्थ की शेप जो है वो है ऑब्लेट स्फेराइड और ऑब्लेट एलिप्सॉइड, दैट इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल। स्फेरिकल कैसा होता है वो अभी हम जानेंगे, मतलब पूरी पूरी स्फेरिकल है, एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है, बट ऑलमोस्ट स्फेरिकल ही है। सो ये इस तरह से है हमारी अर्थ की शेप। ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, ये होता है सेंटर। तो जो हमारे पोल्स हैं, यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहाँ से फ्लैट है, थोड़ी सी फ्लैट है हमारी अर्थ, ठीक है। और जो सेंटर वाला पार्ट है, इससे थोड़ा ऊपर को उठी हुई है। सो यहाँ पे लिखा है फ्लैटेंड अ लिटल एट द पोल्स,
पोल्स के टाइम पे जगह पे थोड़ी फ्लैट है, ठीक है, एंड स्लाइट बल्ज एट दी सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर उठी हुई है, ठीक है। इट इज़ शेप्ड लाइक अ टैंगरीन ऑरेंज, संतरा होता है ना ऑरेंज, उसकी तरह है हमारी अर्थ, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एरिस्टोटल के बारे में कि एरिस्टोटल ने क्या बताया है। एरिस्टोटल थे कौन? ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया था, ही वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज दैट द अर्थ इज स्फेरिकल बेस्ड ऑन एक्चुअल एविडेंस। एक्चुअल एविडेंस के बेस पे इन्होंने बताया था कि अर्थ स्फेरिकल है, ठीक है। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने बेशक कहा होगा अर्थ गोल है, अर्थ स्फेरिकल है, अर्थ की शेप ये है वो है, बट उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। एरिस्टोटल पहले ऐसे फिलोसोफर थे, ग्रीक थे, एक्चुअल में ग्रीक फिलोसोफर थे, पहले ऐसे थे जिन्होंने कहा अर्थ स्फेरिकल है एक्चुअल एविडेंस देकर, ठीक है। नाउ अर्थ के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। सो इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ फोर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब अगर आपने मेरी प्लैनेट्स वाली वीडियो देखी होगी, आपने पढ़ा होगा, प्लैनेट्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, गैसियस होते हैं, राइट। गैसियस को हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो इस तरह से जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं रॉक प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो भी चार होते हैं, जो गैसियस या जोवियन प्लैनेट्स होते हैं वो भी चार होते हैं। तो जो फोर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं हमारे, जिसमें कौन कौन से आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, पहले चार, तो इनमें सबसे बड़ा है हमारा अर्थ, राइट। नेक्स्ट आता है एज ऑफ द अर्थ। ये हमने जब प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ पढ़ा था, तब भी हमने इसको बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। 4.6 बिलियन ईयर्स है हमारे अर्थ की एज, राइट। नेक्स्ट आता है फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें पाँचवीं सबसे बड़ी प्लैनेट है हमारी अर्थ, राइट। अब नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, एलिमेंट्स ऑन द अर्थ सर्फिस। अब मैं आपको बताऊं, जो पूरी वीडियो आप देख रहे हैं सब इसमें इंपॉर्टेंट था, बट ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको किसी भी बुक में ढंग से नहीं मिलेगा। कहीं पे अर्थ के क्रस्ट के बारे में बताया है, कहीं पे अर्थ के सर्फिस के बारे में बताया है, कहीं भी आपको ऑर्गेनाइज्ड और ढंग से ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं मिलेंगी। सो मैंने ये दो जगह से कलेक्ट किया है, ठीक है। ये मैंने नेट से उठाया है, ये मेरी बुक में दिया था, तो अब हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। कई बार ये केमिस्ट्री वाली बुक, केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन होता है ना बुक का, उसमें भी दिया होता है। सो इसमें है क्या, अर्थ की क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम पाया जाता है। अर्थ की क्रस्ट समझते हैं हम, अर्थ की लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर सबसे नीचे मतलब सबसे अंदर वाली क्रस्ट होती है जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है। उस पर क्रस्ट जो है ना, अपर लेयर, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं मैक्सिमम, और यह अर्थ के सर्फेस के ऊपर कौन से एलिमेंट्स होते हैं मैक्सिमम। इनमें हम हमेशा गड़बड़ कर देते हैं, बट इनके बारे में पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे मैं हमेशा ये प्रेफर करूँगी कि आप नोट्स अपने आप बनाएं वीडियोज़ देख देख के, क्योंकि वीडियोज़ में जो मैं बोल रही हूँ आप वो भी सुनेंगे, आप लिखेंगे भी, तो वो चीज़ माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है। बट इनकेस आप जॉब कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब डिस्कस करेंगे हम अपना लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले हम पढ़ते हैं, पहले आपको क्रस्ट, मेंटल, कोर बता देती हूँ, इनकेस आपको पता नहीं है। अब ऐसे भी नहीं, आप ऐसे रखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के नीचे क्या होती है, लेयर्स होती हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ का सर्फेस है, ठीक है, यहाँ पर आप रहते हैं, तो इससे नीचे भी एक लेयर है, उससे नीचे भी एक लेयर है ना। तो अर्थ के क्रस्ट में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, अर्थ की क्रस्ट, इसमें कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम पाया जाता है, ऑक्सीजन 46%। ये परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एलिमेंट्स याद रखें। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे सिलिकन है, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है, फोर्थ नंबर पे आयरन है। चार तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और अर्थ के सर्फेस के ऊपर का मतलब है कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सर्फेस के ऊपर जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो इसमें आ गया आयरन 35%, ऑक्सीजन, सिलिकन, मैग्नीशियम। तो ये आपको याद रखना है, अर्थ की क्रस्ट पूछा है या अर्थ का सरफेस पूछा है, ये भी बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन रहता है, एटलीस्ट हमारे स्टेट में तो इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो हमारा आज का कंटेंट हो गया कंप्लीट, एंड मैंने बहुत ही कम चीज़ें इसमें समझाई हैं, ठीक है, बट जितना भी समझाया कोशिश की अच्छे से समझा सकूं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ की रोटेशन एंड अर्थ की रेवोल्यूशन, मतलब अर्थ की मूवमेंट्स के बारे में। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अब अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे,
तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो करंट अफेयर थ्रू हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं, या फिर जनरल स्टडीज़ जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें आप मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट उन्हें भी मेरी इन वीडियोज़ का थोड़ा प्रॉफिट हो सके, इन हैंड रिटन नोट्स का थोड़ा प्रॉफिट हो सके, राइट? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।